हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आइए आज मैं आपको एक और वीडियो बना कर दूंगी हेयर स्टाइल की। मेरी एक फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि आप सेल्फ पफ की वीडियो बना कर दो, तो मैं उन फ्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए आपको एक सेल्फ पफ की वीडियो बना कर दूंगी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अपने बालों का आप खुद से कैसे पफ बना सकते हो। कई लेडीज की प्रॉब्लम है कि खुद से पफ नहीं बनता, तो आज मैं आपको खुद पफ कैसे बना सकते हैं अपने हेयर्स में, तो ये दिखाऊंगी। तो आइए चलिए हमारे साथ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम किया। इसके बाद हम जितने बालों का हमें पफ बनाना है, हम उतने हेयर अपने उठाएंगे ऐसे। ये अपने आईज के, दोनों आईज के ऐसे ऐसे करके, ये देखिए मैंने इन बालों का बनाऊंगी मैं पफ। ये मैंने ऐसे लिए और फिर अच्छे से ऐसे कॉम किया और फिर इसको ऐसे हल्का सा ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे दबा के, ये देखिए मैंने बनाया ऐसे पफ बनाया। फिर मैं इसको यहाँ पे पिन अप कर दूंगी। कई सिस्टर्स की प्रॉब्लम है कि यहाँ से बाल, ये मांग निकल जाती है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक। जैसे मैंने ये बाल उठाए यहाँ पे, और अगर ऐसे मेरी ऐसे मांग निकल जाती है, तो उसको छुपाने के लिए सबसे पहले मैं बैक कॉम करूँगी। ऐसे बाल आगे लेके सारे ऐसे मैं बैक कॉम कर दूंगी ऐसे, इससे मेरी मांग छुप जाएगी। ये देखिए, और थोड़ा देखो मेरे बालों को हाइट मिल गई है, देखना। ये देखो, ये मैंने अभी कुछ नहीं किया, मैंने पिन नहीं लगाया, मैंने कॉम सिर्फ ओनली कॉम किया, उससे ये देखो हाइट मिल गई। इसलिए जब भी पफ बनाओ तो सबसे पहले ऐसे बैक कॉम कर लो। ये देखिए, तो उसके बाद ये देखो बैक कॉम करने के बाद मैं ऐसे बालों को ऐसे फिनिश कर लूंगी आगे से, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन। ये देखो, मैंने स्प्रे भी यूज नहीं किया और मैंने और कोई ट्रिक यूज नहीं की, ओनली बैक कॉम किया। तो इसलिए जिन भी सिस्टर्स का, जिन भी फ्रेंड्स का पफ नहीं बनता और बाल पतले हैं, मेरे भी आगे से बाल बहुत पतले हैं, तो ये देखिए बैक कॉम करने के बाद कितनी अच्छी हाइट मिल गई मेरे बालों को, ये देखो। और ऐसे लग रहे हैं जैसे काफी हैवी हो, तो ये देखो। अब मैं ऐसे थोड़ा सा क्लीन करके इनको ऐसे, अब मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली बस ऐसे जितनी भी हाइट मुझे चाहिए। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखिए साइड से भी और इस साइड से भी, और ये देखो अब मैं इजीली पिन लगा लूंगी, तो ये मेरा बन चुका है पफ। ये देखो, मैं आपको पिन लगा के भी दिखाती हूँ। ये सिंपल बॉब पिन है, ये वाली लगाऊंगी मैं। ये वाली पिन ली मैंने और ऐसे लगा दी। ये मैंने अभी एक पिन लगाई, एक मैंने इधर से लगाई, एक मैं इधर से लगा। ये देखो फ्रेंड्स, तो ये मेरा बन चुका है पफ। ये सिर्फ मैंने दो पीने लगाई, सिर्फ ये है बैक कॉम का कमाल। ये मैंने बैक कॉम्बिंग की, जिसकी वजह से मेरे बाल आगे से ये मांग भी छुप गई और थोड़े से हैवी नजर आने लगे। वैसे अगर पार्लर में हम जाते हैं तो क्रिम्पिंग करके हमारा पफ बहुत अच्छे से बन जाता है, लेकिन मैंने बिना क्रिम्पिंग के ये कैसे हम घर पे पफ बना सकते हैं वो आपको बताया है। तो देखिए, बिना क्रिम्पिंग के मैंने कितना सुंदर पफ बनाया। फ्रेंड्स, आप अगर घर पे प्रैक्टिस करोगे वीडियो सामने रख के, तो आप बहुत अच्छा सा पफ बना सकती हो। तो कमेंट करके बताना फ्रेंड्स मेरा ये पफ कैसा लगा। ये देखना, ये देखो इधर से और इधर से,
तो मैं आपको एक और हेयर स्टाइल बता देती हूँ। ये हो गया मेरा फ्रंट का पफ, ये देखिए। अब मैं आपको दोनों साइड के पफ बताऊंगी, कैसे हम बीच की मांग निकाल के और बीच में टिक्का सेट करने के लिए और ऐसे पफ बनाते हैं। तो मैं ये खोल देती हूँ और मैं दोबारा आपको बताती हूँ। ये देखो मैंने अब वो खोल दिया। देखो फ्रेंड्स, अब मैं आपको टू साइड पफ बताऊंगी जो मांग निकाल के इस साइड से और इस साइड से बनाते हैं। तो ध्यान से मेरी वीडियो को एंड तक देखते रहना, और जो मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल बटन दबा लेना, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ये देखिए, सबसे पहले मैंने निकाली बीच की मांग, ये देखो, ये मेरी बीच की मांग निकल गई है। और इसके बाद मैं जितने मुझे बालों का पफ बनाना, मैं ऐसे पार्ट कर लूंगी बालों के, ऐसे, बाकी मैं बैक में छोड़ दूंगी, ऐसे पार्ट कर लूंगी ईयर टू ईयर। ये देखो मैं इनका हेयर स्टाइल बनाऊंगी जो मैंने आगे छोड़े। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ से थोड़ी हाइट चाहिए तो बैक कॉम्बिंग करनी बहुत जरूरी है। हमारे बाल क्रिम्पिंग नहीं है। अगर हम पार्लर में जाके हेयर स्टाइल बनवाते हैं तो हमारे बालों को क्रिम्पिंग करके हाइट दी जाती है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि घर में आप कैसे कर सकते हो। घर में हमारे सबके क्रिम्पिंग नहीं होती, इसलिए मैं बिना क्रिम्पिंग के आप कैसे सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बना सकते हो, मैं वो आपको बताना चाह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को ध्यान से देखा करो और एंड तक देखा करो। देखो, अगर कुछ भी आपको चाहिए पार्लर से रिलेटेड, हेयर स्टाइल से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और बता सकते हो। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए वही वीडियो लेकर आऊँगी। ये वाली वीडियो भी मेरी एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी, उसके लिए मैंने ये स्पेशल बनाई है वीडियो। ये देखिए, मैं ऐसे ही हाइट दूंगी अपने, जैसे भी मुझे चाहिए इतना। अगर आप इससे ऊंचा करना चाहो तो आप ऊंचा भी कर सकते हो, यही आपने ऐसे बैक कॉम्बिंग करनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, और ये देखो, अब मैं ऐसे ऐसे हाइट दूंगी। ये देखिए, मेरा एक साइड का हो चुका है। अब मैं इसको पिन अप करूंगी। ये ली मैंने पिन, और ये लगाई ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से मैंने बनाया। ऐसे ही मैं इधर से करूंगी, हल्का सा बैक कॉम्बिंग की ऐसे। ये भी देखो कितना अच्छा उठाव आ गया। ये देखो फ्रेंड्स, ये मेरा टू साइड का पफ हो गया। ये देखिए, दोनों साइड से हम मिरर में देख लेंगे हमारे ये दोनों साइड इक्वल है कि नहीं। मुझे लगता है इक्वल है। ये देखो, उसके बाद मैं आपको टिक्का भी सेट करके दिखाऊंगी। ये देखिए, ये वाला हेयर स्टाइल मोस्टली अगर हमें टिक्का सेट करना हो तो ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए, और इसका फैशन भी बहुत है। ये देखिए फ्रेंड्स, देखो अगर हम टिक्का सेट करते हैं तो ये डबल टेप का यूज भी करते हैं। अगर हम डबल टेप का यूज करेंगे तो देखो हमारा टिक्का बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। मैं आपको खुद से कैसे प्रॉपर तरीके से अपना टिक्का सेट कर सकते हैं, मैं आपको ये भी अच्छे से समझाऊंगी। मैंने ली ये थोड़ी सी डबल टेप,
इसके बाद ये देखिए, ये है डबल टेप, ये मैं अपने टिक्के पे ऐसे चिपका लूंगी। देखो फ्रेंड्स, ये मैंने टिक्के पे ऐसे चिपका लिया, और फिर जहां भी मुझे अपना टिक्का सेट करना हो, देखो फ्रेंड्स ये देखिए मैं यहाँ पे अपना टिक्का सेट करूंगी ऐसे, और फिर मैं ऐसे इसको थोड़ा सा उठा के ये देखो। उसके बाद मैं सेफ्टी के लिए पिन भी लगा लूंगी, ये जो हमारी बॉब पिन होती है ये लगा लेंगे। वैसे अगर आप इसमें ब्लैक, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया टीका सेट करना, उसमें मैंने बताया यहाँ पे जो हम इसका एंड होता है टिक्के का, यहाँ पे हम ब्लैक कलर का अगर रील का धागा बांध लेते हैं और फिर उसको पीछे एंड तक ले जाके पिनअप करते हैं तो और ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। तो मैं आपको ऐसे सिंपल पिन लगा के दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल पिन लगा दी ऐसे, ताकि मैं ये बिल्कुल भी आपका टिक्का ऐसे ही हो गया। ये देखना मेरे हेयर स्टाइल, ये दूसरे नंबर का हेयर स्टाइल आपको कैसा लगा, मैंने खुद से बनाया, ये साइड का पफ बनाया, देखो इधर से भी देखो इधर से भी। तो फ्रेंड्स बताना कि आपको मेरा ये स्टाइल कैसा लगा, आप बताना आप मेरी वीडियो से सीख पाए कि नहीं सीख पाए, क्योंकि मैंने मोस्टली मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि मेरी फ्रेंड्स ऑनलाइन पार्लर कोर्स सीख सकें। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एंड तक देखा करें और अच्छे से देखा करें, ताकि आपकी समझ आए, आप वीडियो सामने चला के और फिर हेयर स्टाइल की प्रैक्टिस किया करें, और आपको बहुत अच्छे से हेयर स्टाइल बनाने आ जाएंगे। और मुझे कमेंट करा करें अच्छे अच्छे, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आती रहूं, और मैं आपको ऐसे ही ऑनलाइन हेयर स्टाइल और पार्लर कोर्स सिखाती रहूं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स बताना मुझे कमेंट करके कौन सा हेयर स्टाइल आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा पफ ज़्यादा अच्छा लगा, टिक्के वाला लगा कि सिंपल वाला लगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मीट अगेन, बाय।